हम बेस से मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट कराया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, और इसमें मैंने तुमको बताया था कि जैसे हम लोग सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड बदल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करते थे, तो ईएमआई के चैप्टर में हमने पढ़ा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट, वैसे ही हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर में, कैपेसिटर के भीतर चार्ज को बदल के इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल के बी को इंड्यूस कर एप्सिलॉन नॉट डिफ। तो एक मैंने बताया था कि करंट होती है नॉर्मल यूजुअल करंट, कंडक्शन करंट, जो कि चार्ज के चलने के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के चलने के फॉर्म में, डी क्यू बाई डी टी, जिसकी फील्ड हम लोग बायो सेवर्ट लॉ से निकालते थे या एम्पेयर्स लॉ से बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई से निकालते थे, जिसके जो किसी वायर में या कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने से आने वाली करंट, जिसके लिए हम लोगों ने आईसी को, इनफैक्ट वायर ही नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट के भीतर कोई वायर नहीं है, यहाँ पे बेटा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज होने की वजह से करंट आ रही है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और फिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है कितनी, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और इसको मैंने बताया था कि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड एम्पेयर्स लॉ से निकलेगी, बट एम्पेयर लॉ को मॉडिफाई करके, जिसको मैंने नाम दिया था एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। और फिर बेटा इसके तुमको एग्जाम्पल करवाए थे, और ये भी प्रूव किया था कि आईडी और आईसी इक्वली होते हैं, कंटिन्यूटी बताया था, तीन क्वेश्चंस करवाए थे, तीन चार। तो आगे बढ़ते हैं उसी के, तो एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने ये सारे जो लॉज हैं, जितने भी उससे, मैक्सवेल से पहले जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज थे, उन सारे लॉज को उसने क्लब किया और देखा कि इनमें एक सिमिट्री एग्जिस्ट करती है। कौन से लॉ, तो ये वाला लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है हमें ये होता है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे फंडामेंटल लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ से भी ज्यादा फंडामेंटल। दूसरा लॉ बेटा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू एम इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अलग बात है कि किसी भी सरफेस से, गॉसियन सरफेस से, एम इनक्लोज की वैल्यू जीरो होती है, जितना नॉर्थ पोल यानी कि प्लस एम होता है उतना साउथ पोल माइनस एम जोड़ के जीरो आते हैं। अब देखो सिमिट्री, ई डॉट डी एस, बी डॉट डी एस, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, एम इनक्लोज, मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये नॉन जीरो हो सकता है, बट पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज यानी कि नॉर्थ पोल और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज या साउथ पोल अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे उनका प्लस माइनस जीरो आता है जोड़ने के बाद, इसलिए इंटीग्रल बी डॉट एस हमेशा जीरो होता है। ये कर चुके होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में। तो ये दो लॉ देखो सिमिट्री बता रहे हैं अभी में। तो तीसरा लॉ, तीसरा लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, या हम लोग उसको बोल सकते हैं फेराडे लेंज लॉ, फेराडे लेंज लॉ, फेराडेज लॉ, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर किसी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, डिफाई बाई डी टी हो वहां पे, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड होता है, तो ई डॉट डी एल पूरे लूप पे, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बदलो, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो, इसे बोलते हैं फैराडे लेंज लॉ माइनस, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो कॉजल फैक्टर को अपोज करती है। इसी तरीके से चौथा लॉ, चौथा लॉ है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, और आई डी कितना होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलोगे तो बी आएगा, यहाँ पे देखो बी बदलोगे मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो ई आएगा, यहाँ पे ई बदलोगे तो बी आएगा, सिमिट्री देखो। तो चारों इक्वेशन में देखो ऊपर वाली जो दो है वो सरफेस इंटीग्रल है, डॉट डी एस है, नीचे वाली जो दो है डॉट डी एल है, लाइन इंटीग्रल है, दोनों में ई की जगह बी और बी की जगह ए रखने से सिमिट्री प्रूव होती है, और ई
और बी की सिमेट्री प्रूव करती है कि बोथ आर आइडेंटिकल, ई बी में और बी ई में कन्वर्ट हो सकता है। और ये मैक्सवेल ने एक थ्योरेटिकल कंक्लूजन निकाला और इन चारों इक्वेशन को उसने एक सेट बना दिया जिसको बोलते हैं मैक्सवेल्स फोर फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये हेडिंग डालो, मैक्सवेल्स फोर फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑलरेडी पढ़ चुके हो बट इनको मैक्सवेल ने कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके ये प्रूव किया कि देखो ई और बी के जो लॉज हैं वो अलग अलग नहीं है, ई और बी में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, ई इज सिमेट्रिकल टू बी और बी इज सिमेट्रिकल टू ई, क्योंकि लॉज ऐसे हैं। तो इन लॉज का कॉमन कंक्लूजन है ई सिमेट्रिकल टू बी। और उससे उसने क्या किया, तो अगले उसमें करते हैं, पहले इतना लिख लो बेटा, मैक्सवेल्स फोर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लास्ट में उसने क्या किया था लाइन इंटीग्रल का, लाइन इंटीग्रल के, ये लाइन इंटीग्रल तो ऊपर लिखा था, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि ये चारों लॉस प्रूव करते हैं कि इज आइडेंटिकल टू बी, बी आइडेंटिकल है बी के। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जो लॉस ई के हैं वही बी के तभी सेटिस्फाई हो सकते हैं जब ई और बी आपस में अलग अलग फील्ड ना हो, ई और बी दो सेपरेट फिनोमेना ना हो, E और B एक कॉमन फिनोमेना, और उस कॉमन फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम कुछ ऑब्जर्वेशन में सिंपली E की तरह देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन में सिंपली B की तरह देखते हैं, बट आज के बाद से, इस चैप्टर के बाद से हम कभी बोलेंगे नहीं कि E और B अलग होते हैं, हम उस फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कब होती है, जब चार्ज चल रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है, जब चार्ज रुका होता है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ रुका या चलना, ये सब बकवास है। दुनिया में कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है, कोई भी चीज चल नहीं रही है, क्योंकि कोई भी चीज चल रही होगी तो उसको कोई ना कोई ऑब्जर्वर उसको रेस्ट में जरूर देखेगा जो उसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। कोई भी चीज रुकी नहीं है क्योंकि भाई रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट होता ही नहीं है, सब कुछ तो रिलेटिव होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हें दिख रही थी वो भी रिलेटिव है। उसी फील्ड को एक ऑब्जर्वर ई बोल सकता है, उसी फील्ड को एक ऑब्जर्वर बी बोल सकता है, इसलिए हम उनको ई और बी आज के बाद से बोलेंगे नहीं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये मैक्सवेल ने कंक्लूड किया इन चारों इक्वेशंस को जक्स्टापोज करके साथ साथ लिखने के बाद। तो इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ये है कि सर ई एंड बी सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन रिक्वायर नहीं, ई और बी सिमेट्रिकल होती ही है, हमेशा ही सिमेट्रिकल होती है, मतलब दे आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, मतलब ई और बी कभी भी अलग नहीं होते, हमेशा ई और बी एक ही है। तो हम लोग जो अलग से ई और बी कर रहे हैं तो वो सिंपली हमारा सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग कर रहे थे, अदरवाइज ई और बी हमेशा एक साथ हर जगह थे। अब हर जगह थे सर, तो हाँ सर, ये लॉज एक जैसे हो रहे हैं सर, तो इससे ये कैसे कह सकते हैं कि ई और बी एक ही चीज है? हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि लॉस किसी भी, जैसे ये फंडामेंटल लॉस है, क्या मास का भी फंडामेंटल लॉस है, वो चार्ज फॉलो करता है? जैसे मास का फंडामेंटल लॉ है कि इट ऑलवेज अट्रैक्ट, जबकि चार्ज अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है, नहीं करता। तो हम बोलते हैं मास और चार्ज दो अलग अलग चीजें हैं। ई और बी के लॉस बिल्कुल एक ही जैसे हैं, इसका मतलब ई और बी कहीं तो इंटर रिलेटेड है। बोलो ये बात समझ में आ रही, कहीं तो इंटर रिलेटेड है। सिमेट्री भी है, देखो ई की जगह बी रख दो तो आंसर भी वही आ रहा है। सिमेट्री भी, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है इसकी जगह अगर ये रख दो तो सिमेट्रिकल है, जैसे ई के लॉ वैसे बी के लॉ, सिमेट्री भी है। अब मैं तुमको एक चीज बोल दूं, ई कहां से आता है ये लिख ले, तो अगले में बताऊं पेज पे। हाँ तो अगले पेज पे बता रहा हूं, तो तुमने जो लिख लिया चलो।
देखो अब वही बताने जा रहा हूँ जो तुम लोग पूछ रहे थे, बस स्टेप वाइज चलते जाएंगे। देखो ऐसा है, अगर ई कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है? सबसे पहले तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर पढ़ा था, क्या था उस सेक्शन का नाम? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दोनों को बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रुका हुआ है, स्टेशनरी चार्जेस होते थे जहां पे, स्टेशनरी चार्जेस जहां पे होते थे। तो जैसे मान लो ये एक चार्ज रुका हुआ है, तो तुम बोलोगे इस चार्ज की वजह से चारों तरफ स्पेस में ई है। अब ये पॉइंट चार्ज है तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड टाइप दिखा रहे हैं, बट हो सकता था कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कुछ भी हो सकती है रैंडम टाइप की। तो ये स्टेशनरी चार्जेस क्या करते थे, ये ई पैदा करते थे। बी कहां से आती थी? बी आती थी करंट से। करंट क्या होती है? चार्जेस का चलना। तो ये एक वायर है, इस वायर में चार्ज चल रहे हैं, वैसे चलते तो इलेक्ट्रॉन है, बट मैं अपने सहूलियत के लिए पॉजिटिव चार्ज को चलता हुआ दिखा रहा हूँ। तो अभी करंट चल रही है यानी कि पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, तो करंट चलना यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस, स्टेशनरी नहीं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। एक रुके हुए चार्जेस की वजह से और एक चलने वाले चार्जेस की वजह से, मूवमेंट ऑफ चार्जेस से भी आती थी। भाई ऐसे करंट जा रही हो और ऐसे ये करंट हो, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस फील्ड होती है, यहाँ पे डॉट फील्ड होती है। क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट। अब मुझे बताओ चार्जेस स्टेशनरी हैं या फिर चार्जेस मूविंग है? कोई ना कोई तो देखेगा ना उनको, तभी तो बोलेगा कि मेरे रेफरेंस फ्रेम में चार्जेस स्टेशनरी हैं या मेरे रेफरेंस फ्रेम में चार्ज चल रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट स्टेट होती है कि रेफरेंस फ्रेम टू रेफरेंस फ्रेम वेरी करती हैं? रिलेटिव। हाँ, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऑब्जर्वर जरूर होगा जो इस स्टेशनरी को चलते हुए देख रहा होगा, और चलते हुए देखेगा तो यानी कि चार्ज का चलना करंट होता है, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसी फील्ड को बी बोल सकता है। कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से चल रहे हैं और कोई ना कोई ऑब्जर्वर भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो उनके फ्रेम में रेस्ट में होंगे। तो ये जो फील्ड है जो बाकी चार्जेस पे फोर्स लगाती है, इसी को वो करंट नहीं है, तो करंट नहीं तो बी भी नहीं बोलेगा, वो स्टेशनरी चार्जेस की ई बोलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ई और बी सिर्फ हमारी आंखों का एक धोखा है, अदरवाइज ई और बी अलग अलग नहीं होते। अब मैं मान भी लू कि ग्राउंड के फ्रेम में मान लो तुम्हारा ये स्टेशनरी चार्ज ने ई की या मूवमेंट चार्जेस ने बी की, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ऐसा है कहीं पे कि चार्जेस चल भी रहे हैं, चार्जेस चल भी रहे हैं और वो एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं, मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, तब क्या होगा? देखो अगर चार्जेस हैं और वो एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं, तो देखो बेटा ये एक वायर है या फिर कोई एक स्पेस है जहां पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये किसी एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। एक्सेलरेशन से साथ चलने का मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल। तो बेटा क्या होगा? चल रहा है तो चलने से इसके बी आएगी, इस केस में चार्ज के मूवमेंट से करंट आएगी, करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है चार्ज की। क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे क्यू चार्ज, वी वेलोसिटी। अब वी वेलोसिटी है और वेलोसिटी बदल रही है तो फील्ड बदलेगी, फील्ड बदलेगी, बी वेरिएबल है क्योंकि वी वेलोसिटी वेरिएबल थी। बी वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है। तो अगर बी वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो डीफाई बाई डी टी होगा, और डीफाई बाई डी टी होगा तो यहाँ पे देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि डीफाई बाई डी टी से ई आता है, तो यहाँ पे डीफाई बाई डी टी से ई आएगा, ई आएगा, ई यानी कि इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो अब अगर ई इंड्यूस्ड हो जाएगा तो बी की वजह से ई आया, बी की वजह से ई आया। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर वेरिएबल हुई, क्योंकि जो बी की वजह से ई आया वो भी बदल ही रहा होगा, डिफाई बाई डी टी खुद बदल रहा होगा, ई भी बदला, तो ई जब बदलता है, ई बदलता है तो देखो यहाँ पे डिफाई बाई डी टी से बी आता है। तो अगर ई के चेंज होने से, ई अगर चेंज होने से बी इंड्यूस हो सकता है, ये हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर के केस में, ये तो लास्ट क्लास में क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट। और बी के चेंज होने से ई इंड्यूस हो सकता है, तो इसका मतलब ई और बी अलग अलग नहीं है। भाई सारी चीजों को देखो, इनसे इन लॉस से सिमेट्री प्रूव हुई, तो
और बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट और ईएमआई के एग्जांपल से बी से ई, ई से बी इंड्यूस हो गया, तो हमें एक ई से बी, बी के ई बदलने वाली, ई के बदलने से बी आ जाए, बी के बदलने से ई आ जाए, कब, जब चार्ज एक्सेलेरेशन के साथ चले तो हमको एक ई और बी की कपल्ड फील मिल जाए। कपल्ड समझते हो, कपल्ड, कपल्ड मतलब पेयर, ऐसा पेयर ई और बी का जहां ई बदले तो बी पैदा हो, बी बदले तो ई पैदा हो, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, ई बी को पैदा करते रहे, बी ई को पैदा करते रहे, कभी पूरी एनर्जी बी के फॉर्म में हो, कभी पूरी एनर्जी ई के फॉर्म में हो, बिल्कुल वैसे जैसे एलसी सर्किट था। एलसी सर्किट का एग्जांपल दे रहा हूं, एलसी सर्किट का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एलसी सर्किट जिससे हम रेडियो वेव्स पैदा करते हैं, ई के बदलने से बी, सारी एनर्जी कभी कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर में, कभी हाफ एल आई स्क्वायर में मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कपल्ड फील्ड है, ई के बदलने से बी, बी के बदलने से ई, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो, जैसे कैपेसिटर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर के भीतर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एलसी सर्किट में रेडियो वेव्स, एलसी सर्किट रेडियो वेव्स पैदा करता है, तो वहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहां पैदा होती है, जहां पे चार्जेस एक्सेलरेशन के साथ चले, जिससे बी आए तो वो वेरिएबल ई को इंड्यूस कर दे, और बी और ई जब इंड्यूस एक दूसरे को करने लगते हैं तो कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, और ऐसी कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब स्पेस में आगे बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लगता है कि एक जगह कहीं पर स्टैग्नेंट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेशन, मतलब आगे बढ़ना, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्पेस में एनर्जी लेके आगे बढ़ने लगती है, वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करने लगती है, बिल्कुल जैसे साउंड एनर्जी चलती है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी चलने लगे तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। कहां से प्रोड्यूस होती है, तो स्टेशनरी चार्जेस से सिर्फ ही पैदा होती है, यहां से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस से होती है, बट मूवमेंट ऑफ चार्जेस विद अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से हो तो सिर्फ और सिर्फ बी पैदा होगी, ऑनली बी, ये ऑनली ई था, ऑफकोर्स किसी ऑब्जर्वर के फ्रेम में ये ऑनली बी था। अगर तुमको कपल्ड ई और बी चाहिए, कपल्ड ई और बी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो चार्जेस को एक्सेलेरेशन के साथ चलाओ। कहां चार्जेस एक्सेलेरेशन के साथ चलते हैं, तो जहां जहां चलेंगे, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड हो, डी एक्साइटेड हो, तो बचपन में पढ़ा था 10th के बाद जब 11th आए थे, मैक्सवेल लॉ कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस बिटवीन ऑर्बिट्स, स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फोटोन निकलते हैं। तो वही बता रहा हूं, यही मैक्सवेल लॉ है, जब भी चार्जेस एक्सेलेरेट होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं, जहां पे ई और बी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को पैदा कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एलसी सर्किट था। एलसी सर्किट इसी का एग्जांपल है, इसीलिए जो पिछले चैप्टर में एसी में एलसी सर्किट पढ़ाया था, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट पाया था, ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये लिख लो, है ना, ये इसी तरीके से लिख लो, समझने के लिए ही, ऑफकोर्स तुम्हारे और कुछ नहीं। सर ये बी वेरिएबल होगा तो ये तो इंड्यूस हो जाएगी सर, फिर ये इंड्यूस कैसे वेरिएबल है सर, वो बी कैसे प्रोड्यूस करेगा? देखो, मान लो जैसे डीफाई बाय डीटी है, डीफाई बाय डीटी बी वेरिएबल है और उससे ई इंड्यूस हुई, तो ई इंड्यूस की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, डीफाई बाय डीटी कोई कांस्टेंट नहीं है, ये डीफाई बाय डीटी ऐसे समझ लो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बी वेरिएबल होता है वो साइनोसॉइडल होता है। अब ये साइनोसॉइडल, क्योंकि दुनिया में हर जो वेव होती है वो साइनोसॉइडल होती है, तो बी अगर साइनोसॉइडल बदलेगा तो जब इसको डिफाई बाय डीटी निकालोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन भी कॉस आएगा, कॉस आएगा तो ई इंड्यूस कॉस की होगी, अब कॉस की होगी तो ये खुद भी बदल रही होगी, और जब खुद भी बदलेगी तो ई के बदलने से बी भी आता है, तो इससे बी भी आएगा और बी से ई भी आएगा। तुम बोलोगे ये क्या मतलब, ई से बी आ रहा है, बी से ई आ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कपल्ड है, पेयर्ड है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है, बस ये आपस में बिल्कुल वही 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, जब बी से ई आएगा तो जब बी जीरो पे तो ई मैक्सिमम पे, ई जीरो तो बी मैक्सिमम, ऐसा टाइप का इनके बीच में रिलेशन चलता रहेगा।
सर ईएम फील्ड में सब बी वेरिएबल है क्योंकि सर हमारी वेलोसिटी वेरिएबल है। अब देखो होता क्या है कि हम लोग जो जहां पे भी जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेंगे उन सब में तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो जब हम लोगों ने क्लास 11 में वेव पहली बार पढ़ी थी जैसे स्ट्रिंग की जर्क वाली, तो वहां पे तुम लोगों को बताया गया कि उस वेव का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स। बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी होता है, लाइट का भी होता है, साउंड भी साइनोसॉइडल होती है। इस दुनिया में हर वो चीज जो लगातार कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में चलती है वो साइनोसॉइडल होती है। तो ये जो चार्ज का मूवमेंट है, मैंने ये तो समझाने के लिए शुरुआत से लिखा था कि भाई एक्सेलेरेशन है, बट ये जो चार्ज का जो मूवमेंट होता है, अगर तुम एलसी सर्किट में भी याद करो, तो क्या तुम लोगों को एलसी सर्किट में मैंने चार्ज का ये डायग्राम बनवाया था कि चार्ज ऐसे ऐसे चार्ज टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं एलसी सर्किट में, बताया कुछ? हाँ वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर जगह, हर उस जगह पे जहां पे ये ईएम वेव पैदा होती हैं, जब उनके पीछे बैकग्राउंड में जाओगे तो साइनोसॉइडल वेरिएशन है, तो बी का जो वेरिएशन है वो साइनोसॉइडल है। तो इसलिए जब डीफाई बाई डी टी बाई साइन थीटा या कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन टी का कॉस टी, कॉस टी का साइन टी, तो वो साइकिल में चलता रहता है। साइन टी का डिफरेंशिएट कॉस टी का माइनस साइन टी, कितनी बार भी कर लो, 1000 बार डिफरेंशिएट कर लो साइन को कॉस, कॉस का साइन, ऐसे साइनोसॉइडली बना रहेगा। इसलिए बी से ई और ई से बी जब आती है तो वो सब साइनोसॉइडली वेरी होती रहती है। बोलो, लिख लिया? 1 मिनट सर, अभी सर इसका भी सर जो एनर्जी का एक्सचेंज है सर बिल्कुल एलसी सर्किट की तरह है। हाँ बिल्कुल, एलसी सर्किट करें, ई की एनर्जी बी में और बी की एनर्जी ई में स्विच करती रहे। आगे बढ़े, यस 1 मिनट सर। सर यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम कैसे सब प्रोपागेट हो रहा है? बता रहे, ये लिख लिया सबने? जी सर, हो गया। चलो, तो देखो सबसे पहली चीज जो हमें दिमाग में रखनी है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स क्या है। तो वेव्स इन जनरल क्या होती हैं? वेव्स होती हैं प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। वेव्स आर प्रोपगेशन, इन जनरल वेव की डिफिनेशन लिख रहा हूं, ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, और मोमेंटम यानी कि पी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। जब तुम किसी जगह पे डिस्टरबेंस को प्रोपगेट कराते हो तो हम उसको बोलते हैं वेव। जैसे साउंड वेव कैसे पैदा होती है, मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे एयर, मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी बोलने की वजह से यहाँ पे एयर के पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए, तो अब ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है और वो एनर्जी को ले जा रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, एनर्जी एयर के पार्टिकल के डिस्टरबेंस को आगे बढ़ा रही है। मैं क्या करूँ, एक रुके हुए पानी में एक स्टोन फेंक दूँ तो उस स्टोन को फेंकने से पानी हिल जाएगा, ऐसे रिपल्स पैदा होंगे, डिस्टर्बेंस। अब वो रिपल्स स्पेस में आगे बढ़ेंगी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, तो वो देखो वेव का प्रोपेगेशन है। एक स्ट्रिंग को ले लूं, मैं स्ट्रिंग को लेने के बाद यहाँ पे जर्क दे दूं, इस एंड पे जर्क दे दूं, तो ये जर्क स्पेस में आगे बढ़ेगा, तो ये डिस्टरबेंस ही तो है जो स्पेस में आगे बढ़ता है। तो मैं बोलूं कि वेव की जनरल डिफिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करने के लिए यू नीड ए सोर्स जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे, तो वो कौन होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स कुछ और नहीं, एक्सिलरेटेड चार्जेस होते हैं। ये एक्सिलरेटेड चार्जेस क्या करते हैं, अपने साथ ई भी पैदा करते हैं, बी भी पैदा करते हैं, और ये कपल्ड ई एन बी पैदा करते हैं। अब ये जो कपल्ड ई एन बी है ये डिस्टरबेंस के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं।
कैसे डिस्टरबेंस के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, तो ई भी ऐसे साइनसोइडल डिस्टरबेंस के फॉर्म में आगे बढ़ता है, बी भी ऐसे ही साइनसोइडल डिस्टरबेंस के फॉर्म में स्पेस में आगे बढ़ता है। और ये जो स्पेस में आगे बढ़ने की डायरेक्शन है, स्पेस में आगे बढ़ने की डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये ई और बी स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं। और देखो ई तो तुम्हारा देखो ऐसे अप एंड डाउन, ई की ये वैल्यू है, ये कोई एक्चुअल में नहीं है, ई की वैल्यू स्पेस में आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमने पढ़ी थी वो स्पेस में आगे बढ़ रही है। तो स्पेस में आगे बढ़ने की डायरेक्शन ये, स्पेस में आगे बढ़ने की डायरेक्शन ये, तो स्पेस में डिस्टर्बेंस जब आगे बढ़ रहा है तो ये जो एरो में बना रहा हूं इनको एनर्जी के चलने की डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी। और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी जो एनर्जी के चलने की डायरेक्शन है वही वेव की डायरेक्शन है, और वेव की डायरेक्शन और ई और बी के डिस्टरबेंस के फॉर्म में आगे बढ़ती है। कैसे डिस्टरबेंस, तो अब फिर बोल रहा हूं साइनसोइडल डिस्टरबेंस, साइनसोइडल डिस्टरबेंस। दुनिया की हर वेव जितनी भी अपने सिलेबस में हमने पढ़ी है सब के सब वो साइनसोइडल होती है। ये नेचर का एक मैथमेटिक्स के साथ कनेक्शन है कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो पीरियोडिक होती हैं, बार बार बदलने वाली, साइनसोइडल डिस्टरबेंस के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी साइनसोइडल होती हैं। अब एक और बात है कि मैक्सवेल ने क्या किया, इन ईएम वेव्स पे पर्टिकुलरली लाइट पे उसने स्टडी की, और उसने इन ईएम वेव्स पे स्टडी करके कुछ प्रॉपर्टीज निकाली। और प्रॉपर्टीज पहले सुन लो बाद में लिखना, पहले कुछ प्रॉपर्टीज सुन लो, आराम से सुन लो क्या क्या उसने प्रॉपर्टीज के बारे में निकाला। उसने इन इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, ये जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन है इसको सॉल्व किया, मैं तुमको सॉल्व करके दिखा भी सकता हूँ, इन इक्वेशन को सॉल्व किया। और वो सॉल्व करने के बाद उसने ईएम वेव की प्रॉपर्टीज निकाली। तो पहली प्रॉपर्टी यही थी कि इन ईएम वेव के सोर्स में एक्सीलेटेड चार्जेस होते हैं। अब तुम बोलोगे एक्सीलेटेड चार्जेस के कुछ एग्जाम्पल बताइए सर, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। एक तो जैसे एलसी सर्किट जहां पे चार्ज टाइम के साथ साइनसोइडली ऑसिलेट कर रहा था, वेरी कर रहा था। एलसी सर्किट बेटा रेडियो वेव्स पैदा करने में यूज करते हैं। और एग्जांपल देता हूं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे तुम्हारा जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डीएक्साइट होते हैं विद इन एटम, तो तुमको मालूम है कि लाइमन बामर पास्चेन ट्रैकेट फुंड ये सब सीरीज देते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम देते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम होता है इनमें से कुछ विजिबल में है, कुछ अल्ट्रा वॉलेट में है, कुछ इंफ्रारेड में है, तो ये कुछ और नहीं है, ईएम वेव्स के ही फोटोन है, ये ईएम वेव्स के ही फोटोन पैदा हो रहे हैं। हमको जो लाइट मिल रही है वो हमारे रूम में जो बल्ब लाइट दे रहा है या एलईडी लाइट दे रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ही है, एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसके भी पीछे एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स ही है। वो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर रहे हैं, एक्साइट होते हैं डीएक्साइट होते हैं, जंप करते हैं, जैसे पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न को गर्मी मिलती है वो जंप करता है, थोड़ी देर बाद नीचे भी आता है, फिर ऊपर जंप, फिर वो नीचे, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ होता रहता है, एक्साइट डीएक्साइट, एक्साइट डीएक्साइट। डीएक्साइट होता है क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है उसको, नेचर एक्साइट करके वो परमानेंटली एक्साइटेड नहीं रहता। लाइट भी ऐसे ही, लाइट भी एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है। इसी तरीके से तुम लोगों को एक्सरे पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में, एक्सरे में भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉन को किसी एटम पे बम्बार्ड कर दिया जाता है, सबकी वजह भी काफी हद तक इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि जो सोर्स है एक्सीलेटेड चार्ज जिसके हम बात करें मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन ही होता है। एक्सरेज भी ऐसे ही पैदा होती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी ऐसे ही पैदा होती है, माइक्रोवेव्स भी ऐसे ही पैदा होती है, ये सारे के पीछे एक्सीलेटेड चार्जेस रहते हैं, और इनमें ई और बी ऐसे ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे ऑसिलेट करते हुए कैसे आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे आके तुमको मैं बता दूं, मैक्सवेल ने अपनी स्टडी में पाया कि लाइट और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सब ट्रांसवर्स होती हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल एक क्लासिफिकेशन है। साउंड की वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है क्योंकि उसमें जो वेव चलती है तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलते हैं, ये साउंड है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है, साउंड वेव जिधर चलती है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए साउंड वाली जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। लेकिन मैक्सवेल ने पाया कि जो ईएम वेव्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्स होती हैं। मतलब ट्रांसवर्स होने का मतलब ये है कि जो ऑसिलेशंस होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये कि वेव के चलने के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वेव के चलने के परपेंडिकुलर किसके ऑसिलेशन होते हैं। भाई साउंड में तो एयर के पार्टिकल के होते थे, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के पार्टिकल होते, यहाँ किसके ऑसिलेशन है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 11 की वेव से डिफरेंट है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है,
यहाँ पे ऑसिलेशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हो रहे हैं, और ये ऑसिलेशन वेव के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि वेव जिधर चलेगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब मान लो से वेव एक्स चल रही है, तो उसके परपेंडिकुलर का मतलब है वाई जेड प्लेन में ऑसिलेशन होगा। तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है, तो ये लिख लेना बाद में, पहले समझ लो। इसका मतलब ये, से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो मान लो वेव एक्स में चल रही है, वेव का चलना मतलब ई का चलना, बी का चलना, कि एनर्जी का चलना, एनर्जी का चलना, लाइट, जैसे लाइट आ रही है सन से अर्थ की तरफ, तो ऐसे समझ लो सन से अर्थ की तरफ इस डायरेक्शन में आ रही है, या टॉर्च से लेजर बीम निकल रही है, लाइट बीम निकल रही है, वो वेव के चलने की डायरेक्शन है। तो ऑसिलेशन जो होते हैं ई और बी के, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन किसके होते हैं, ई और बी के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, कोई पार्टिकल का नहीं, वो वेव के चलने के। तो अगर एक्स है तो एक्स के परपेंडिकुलर वाई और जेड, वाई जेड प्लेन में। अब इसमें एक और चीज बता देता हूं कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं तुम लोगों को कई दिनों से बता रहा था, फिर से देख लो, कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या बताया था, मैंने बताया था कि देखो जब बी के बदलने से ई इंड्यूस होती है, तो वो ई इंड्यूस परपेंडिकुलर टू द बी होती है। देखो लिखा ई इंड्यूस परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल बी, तब तुम्हें मतलब ही नहीं समझ रहे कि हम क्यों बता रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पे कैपेसिटर में ई के बदलने से बी आती है, तो देखो परपेंडिकुलर लिखा भी था कहीं मैंने, ये देखो बी इज परपेंडिकुलर टू ई, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसके परपेंडिकुलर। ई और बी का नेचर ही होता है आपस में परपेंडिकुलर चलने का, और ई और बी का नेचर ये भी है कि वो वेव के परपेंडिकुलर हो। तो वेव अगर एक्स में है और ई और बी आपस में भी परपेंडिकुलर है, तो ये सब एक्स वाई जेड का रिलेशन बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मान लो वेव अगर एक्स में चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी वाई में, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाई में ऑसिलेट कर रही ई वाई, वाई वाई में ऑसिलेशन है, वाई में ऑसिलेशन है, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, वेव ऑफ कोर्स एक्स में चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट करेगी बिल्कुल वैसे ही, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, बिल्कुल वैसे जैसे तुम लोगों ने क्लास 11th में वेव की जनरल इक्वेशन पढ़ी होगी, ट्रेवलिंग वेव, याद करो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, ये ट्रेवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन होती थी। ये भी ट्रेवलिंग वेव ही तो है, स्टैंडिंग वेव थोड़ी ना है भाई, एनर्जी चल रही है। याद करो a एम्पलीट्यूड होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वेरिएशन। ये साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन के भीतर जो थीटा होता है, कई बार बता चुका हूँ, फेज बोलते हैं। ये e इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी, ये SHM की इक्वेशन लिखी है, साइनोसॉइडल वेरिएशन, तो साइनोसॉइडल वेरिएशन है, साइंस का ये तो ग्राफ बना हुआ है। ओमेगा में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता था, यहाँ पे भी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स ओमेगा बाय 2 पाई। के क्या है, के है प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता था पहले भी, के प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता था, और ये आता था ओमेगा अपॉन वी, जहां पे वी लाइट जो मतलब वेव है उसकी वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे भी k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा बाई k, वहां पे भी था यहाँ पे भी है, सब कुछ वही है। x क्या, x पार्टिकल की पोजीशन है स्पेस में, भाई इसको ओरिजिन मान लोगे, 0,0 मान लोगे, तो जहां जिस x पे चाहिए होगा वो x यहाँ पे रख के तुम्हारी निकल आएगी फेज। और माइनस प्लस क्या होता है, तो अगर याद करो तो वेव अगर प्लस x में चले, यहाँ पे माइनस आता था क्लास 11 में पढ़ा था, और वेव माइनस एक्स में चले तो यहाँ पे प्लस आता था, तो वही चीज यहाँ पे भी है, प्लस एक्स में चले तो माइनस, माइनस एक्स में चले तो प्लस। तो ये माइनस प्लस यहाँ पे डायरेक्शन बताता है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। अब के एक्स लिखा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रही है, बट वेव एक्स में चल रहा मतलब एनर्जी एक्स में चलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन तो वाई में हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन बेटा जेड में होगा, जेड, जेड को देखो और एक्स को देखो, एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन में मतलब ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये जेड है, ये वाई नहीं है, ये इस तरफ है, ऐसे है बी जेड, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर, ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है बेटा, ये वेव जो है वो एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड में है,
सब आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड का रिलेशन, इसको याद रखने के लिए बेटा, ये कहीं बुक में नहीं लिखा होगा, मैं बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लेना, एक्स वाई जेड रिलेशनशिप होता है। वेव एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में, जरूरी नहीं कि वेव एक्स में वेव वाई में हो, लेकिन आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वेव जो होती है इलेक्ट्रॉनिक वेव, वो ट्रांसवर्स होती है नेचर की। कैसे पता? एक्सपेरिमेंट से पता। किसने किया? मैक्सवेल ने किया। और ई और बी आपस में परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल होती है। तो यही तो तुमको लास्ट क्लास से बार बार लिखवा रहा था, तो तुम ध्यान नहीं दे रहे होगे शायद, लेकिन अब ध्यान दो। मैंने हर बार ये लिखा था और जानबूझ के लिखा था, देखो हर बार जानबूझ के लिखा था, पहले ही क्लास में ये लिखा था, लास्ट क्लास जो थी, ई इंड्यूस परपेंडिकुलर टू बी। तो तुम बोलोगे सर क्यों लिखवा रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा बी इंड्यूस परपेंडिकुलर टू ई, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि ये कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और आपस में परपेंडिकुलर आएंगी, इसलिए ई और बी को आपस में भी परपेंडिकुलर रहना है, ई और बी ऑसिलेट वेव के भी परपेंडिकुलर करना है। तो वेव जिधर चले उसके 90 डिग्री और आपस में भी 90 डिग्री, तो तीन आपस में 90 डिग्री की डायरेक्शन एक्स वाई जेड की तरह होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ईएम वेव की, कि वेव अगर एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में आपस में परपेंडिकुलर चलती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऐसे कुछ, मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगी। बी इज इक्वल टू बी जेड नॉट, ये भी साइनोसॉइडल है, देखो ये भी साइनोसॉइडल है, बढ़ रही है, साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, सब कुछ वही है, इसका भी वही फ्रीक्वेंसी, इसकी भी वही फ्रीक्वेंसी, इसकी भी वेव की स्पीड वही, वेव तो दोनों में वही है, इसलिए सब कुछ वही है, इसका भी टाइम एक्स वही, सब कुछ वही है। तो बस इसकी वैल्यूज अलग अलग चलेंगी, इसकी वैल्यूज अलग चलेंगी, अलग प्लेन में, अलग प्लेन में, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहले इतना लिख लो फिर आगे की बात बताओ। सर ई और बी में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता? नहीं, अभी वो सारी बात बता रहा हूँ बेटा, सब बता रहा हूँ। ओके सर, ब्रैकेट में लिखा था और मोमेंटम, और मोमेंटम। देखो कोई भी चीज जो वेव होती है ना, वो जैसे साउंड वेव है, क्या ले जाती है? मोमेंटम ले जाती है, चीजें चलने लगती है, एनर्जी ले जाती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, स्ट्रिंग में वेव की एनर्जी, रिपल्स की एनर्जी, अर्थक्वेक में वेव्स की, सेस्मिक एनर्जी, सुनामी की वेव्स होती है उनकी एनर्जी। वेव्स मतलब एनर्जी या मोमेंटम का डिस्टर्बेंस के फॉर्म में चलना। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस का एक सोर्स होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो भी वेव पैदा होती है वो अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे होती है, और सोर्स हमेशा साइनोसॉइडल ऑसिलेट करते हैं ऐसे, ओरिजिन से राइट, ओरिजिन से लेफ्ट, पेंडुलम की तरह या स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह, सोर्सेज ऐसे होते हैं ऑसिलेट करते हुए। तो वेव भी ऐसे ट्रेवलिंग वेव बनकर ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ती है। तो हमारे पास यहाँ पे सोर्स कौन है? एक चार्ज है, जैसे एलसी सर्किट में एक चार्ज कैसे बढ़ रहा है कैपेसिटर पे? जीरो से प्लस, प्लस से जीरो, जीरो से माइनस, माइनस से जीरो, फिर ऐसे। तो ये देखो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इस चार्ज की मैथमेटिकल वैल्यू ऑसिलेट कर रही है, तो इससे जो फील्ड पैदा होगी वो भी ऑसिलेट करते हुए स्पेस में आगे बढ़ जाएगी। सर यहाँ पर मोमेंटम तो कोई है नहीं सर, क्योंकि मास नहीं है। नहीं, मोमेंटम है, यही तो बात है मोमेंटम, मास, मास भी है, फोटोन बोलते हैं उस पार्टिकल को जिसका मोमेंटम निकालेंगे, निकालेंगे भी, एनर्जी भी निकालेंगे, मोमेंटम भी निकालेंगे आज ही की क्लास में। सर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आपने डिस्टरबेंस कैसे बोला है जो ट्रेवल कर रहा है? डिस्टरबेंस का मतलब होता है किसी चीज की मीन वैल्यू, जैसे ये ई की मीन वैल्यू है जीरो, इससे ऊपर इससे नीचे, ये डिस्टरबेंस ही है। डिस्टरबेंस का मतलब है कि ई बढ़ा, फिर ई घट के जीरो हुआ, फिर घट के दूसरे साइड गया। डिस्टरबेंस क्या होता है? डिस्टरबेंस यही तो होता है, पेंडुलम का डिस्टरबेंस क्या होता है? पेंडुलम की एक मीन पोजीशन है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से अदर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। तो यही तो है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से अदर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ये तो हो रहा है, ये तो पेंडुलम की तरह तो ऑसिलेट कर रहा है, इसी को तो डिस्टरबेंस कहते हैं। पेंडुलम को मीन पोजिशन से हिला दो तो वो बार बार लेफ्ट राइट करता रहेगा। वैसे यहाँ पे एलसी सर्किट है, इलेक्ट्रॉन है, एक बार एक्साइट कर दो, एक्साइट डी एक्साइट ऐसे ऐसे साइकिल के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करता रहे। सर ये ईएम वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं? हाँ बेटा, ट्रांसवर्स होती हैं, यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ऑल ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर।
ऑल ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स. साउंड लॉन्गिट्यूडनल समझाने के लिए लिखा था, ये साउंड लॉन्गिट्यूडनल है जिसमें पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलते हैं. बट जैसे स्ट्रिंग की वेव होती थी ना, वो ट्रांसवर्स होती थी. वेव इधर चल रही है और स्ट्रिंग के पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं. वेव मतलब अगर एक्स में चल रही है तो स्ट्रिंग के पार्टिकल वाई में ऑसिलेट करते थे ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ बना के, तो वो ट्रांसवर्स होता था. तो वैसा ही होता है, वैसे यहाँ पे होता है. बस यहाँ पे पार्टिकल नहीं है क्योंकि लाइट और ईएम वेव्स वैक्यूम में भी चल सकती है. ये ई और बी के ऑसिलेशन के फॉर्म में चलती है. थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि ई और बी फील्ड भी ऑसिलेट कर सकती है और फील्ड का सच में ऑसिलेशन होता है. सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. और सर ये एक्सेलरेटेड चार्जेस और कपल्ड ई एंड बी सेम थिंग कि क्या डिफरेंट है? सेम, जब भी एक्सेलरेटेड चार्ज होंगे कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी. सेम चीज है, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज का ये इफेक्ट है, इसकी वजह से ऐसा होगा. सर ये मतलब एग्जिस्ट ही तब करेंगे जब चार्जेस एक्सेलरेट होंगे. हाँ, इसलिए ईएम वेव के सोर्स में हमेशा एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं. पर ये तुमसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, चार ऑप्शन है, स्टेशनरी चार्जेस, चार्जेस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक होगा चार्जेस मूविंग विद सम एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन. तो वही आंसर सही होगा, चार्जेस मूविंग विद सम एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन. तो ग्राफ में अपने एक्स वाई जेड प्लेन में ई एंड बी लिखा है. ई एंड बी वाई जेड प्लेन में होंगे. अब ये वाई जेड प्लेन में कैसे होंगे, तो ये बना हुआ फिगर. अभी तो सिर्फ ये बता रहा था कि वाई जेड प्लेन में होंगे. वाई जेड प्लेन में कैसे होंगे, तो ये अगला वाला फिगर, ये वाला पेज नोट कर लो. सर यहाँ पर सोर्स में जो चार्ज होगा वो ऑसिलेट करता रहेगा. सोर्स जो होगा वो ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल. यहाँ पे कहीं पे सोर्स होगा जो पैदा कर रहा होगा, वो ऑसिलेट कर रहा होगा. सर मतलब कैसे, मतलब एक्सेलरेट करते हुए ऑसिलेट करेगा? जब एक्सेलरेट करेगा तो जैसे तुम्हारा एलसी सर्किट है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक इंडक्टर है, और इनिशियली जैसे इंडक्टर में करंट थी तो क्या हुआ, यहाँ पे आया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आया माइनस क्यू. तो देखो चार्ज इधर चला, फिर ये चार्ज पहले बढ़ा जीरो से, फिर ये क्या होगा, ऐसे घटेगा. पहले चार्ज बढ़ा, फिर ये घटेगा, जीरो होगा, फिर जीरो से माइनस, तो ऐसे आएगा, फिर से बढ़ेगा. तो देखो ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, मतलब पूरा सर्किट ले लो, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, और ऐसा एक सेकंड में सैकड़ों हजारों बार होगा. ये तो ऑसिलेशन है. देखो क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसे. एलसी सर्किट का एग्जांपल ले लो जो तुमने पढ़ा है, बाकी एग्जाम्पल एक्सरे वगैरह नहीं पड़े, बट एलसी सर्किट से इमेजिन करो, चार्ज ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेगा. सर और ये माइनस प्लस के एक्स का क्या मतलब है, माइनस प्लस? बेटा इसमें से एक समय में एक ही साइन लिया जाएगा. क्लास 11th में याद करो बताया गया होगा साउंड वेव में, स्ट्रिंग की वेव में, कि अगर वेव प्लस एक्स चले तो डेरिवेशन कराया गया होगा. वो डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो 11th में किया था ट्रेवलिंग वेव में, कि जब प्लस एक्स में वेव चले तो यहाँ पे माइनस आता है, जब माइनस एक्स में चले तो प्लस आता है. तो अभी दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं, पता नहीं ना कि वेव किधर चल रही है, तो माइनस प्लस के एक्स में से दोनों हो सकती है, बट एक टाइम पे एक ही होगी. लिख लिया? नहीं, नो सर.
सही ऊपर प्रोपोगेशन कांस्टेंट करके क्या बता रहे थे? देखो बेटा इसमें जो ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स में के आता है, इस के का नाम है प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव कांस्टेंट। ओके सर। इस वेव कांस्टेंट या प्रोपेगेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये के सब्स्टिट्यूट जब डेरिवेशन कराया जाता है, शायद भूल गए होगे 11th में, तो ये के आता है सब्स्टिट्यूट होता है ओमेगा अपॉन वी की जगह। ओमेगा तो यही है एंगुलर फ्रिक्वेंसी वाला, और वी जो होती है वेव की वेलोसिटी होती है। तो के का फॉर्मूला यही है ओमेगा अपॉन वी। तो अगर मुझे मान लो फॉर्मूले में यहाँ पे एक ओमेगा और के दिख रहा है साफ साफ, तो मैं उनसे वेव की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ ओमेगा बाई के करके। वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के करके, इसको उधर ले आओ इसको नीचे ले आओ, तो ओमेगा बाई के करके निकाल सकता हूँ। अभी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। नाम इसका के का ही नाम है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेट करते हुए वेव जब प्रोपेगेट करती है तो एक चीज कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं। E और B आपस में परपेंडिकुलर और वेव के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर चलते हैं, लेकिन ये कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इनकी साइकिल भी एक ही जैसी है, दोनों एक साथ जीरो से स्टार्ट होके। अब देखो ये E की वजह से B इंड्यूस, B की वजह से E इंड्यूस। वैसे तो मैंने बोला था कि भाई जब E की वजह से B आए, B की वजह से E आए, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस वगैरह, बट ये कपल्ड का मतलब यहां इन द सेंस जब भी ये दोनों चलेंगी तो ना तो इनका ओमेगा अलग अलग होगा, टाइम पीरियड भी वही होगा भाई, जब इसकी साइकिल इसकी एक साइकिल, ना इनका टाइम अलग है, ना इनका टाइम पीरियड अलग है, ना इनकी पोजीशन अलग अलग देखी जाए, और के भाई वेव की स्पीड भी दोनों के लिए सेम है। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को साइन के भीतर जो ये पूरा टर्म आता है इसको बोलते हैं फेज। तो ई और बी आपस में परपेंडिकुलर तो ऑसिलेट करते हैं, ई एन बी ऑसिलेट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल, बट फेज में देखो क्या अलग हो जाएगा भाई, दोनों का ओमेगा सेम है, टाइम पीरियड सेम है, एक साइकिल जब इसकी ई की होगी वैसे बी की एक साइकिल होगी, जब दोनों का वेव की स्पीड सेम है, क्योंकि वेव की स्पीड मतलब एनर्जी के चलने की स्पीड ई यू बी के लिए अलग अलग थोड़ी ना एक ही है, तो जब ओमेगा सेम है, के सेम है, टाइम और एक्स तो वैसे ही सेम होता है, तो ये जो अंदर वाला टर्म है दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए जो अंदर वाला टर्म यानी कि फेज है वो ई और बी का सेम है। ई और बी आपस में परपेंडिकुलर जरूर है बट दे ऑसिलेट इन सेम फेज, दे ऑसिलेट इन सेम फेज, हमेशा E और B आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऑसिलेट इन सेम फेज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Y में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फेज सेम है, मतलब ये फेज सेम है, मतलब ये नहीं कि वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम नहीं, अभी वैल्यू में क्या रिलेशन होगा मैं बता रहा हूँ, बट इतना लिख लो पहले, सब बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। लिख लिया बेटा? चलो, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि ई और बी जब ये ऑसिलेट करते हुए स्पेस में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो ई और बी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है बट सेम फेज में है, और इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड है ई नॉट और बी नॉट, या अगर रूट टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो इनकी जो आरएमएस वैल्यूज हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर एग्जाम्पल लाइट कि जो भी उस मीडियम में वेलोसिटी हो, फॉर एग्जांपल सी है, तो ये ई नॉट और बी नॉट और ई आर एम एस बाय बी आर एम एस की वैल्यू सी आती है। अब तुम बोलोगे ये कैसे आती है, तो ये बेटा आती है इन मैक्सवेल इक्वेशन के डेरिवेशन से। तो ये डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो वैसे तो मैं करवाता हूँ ये डेरिवेशन, बट अगर इनको डेरिवेशन कराने लगूंगा तो एक दो क्लास तो इसी में चली जाएगी, फिर तुम बोलोगे कि एम बी एफ काफी लंबा जा रहा है, तो बड़ा छोटा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन ये अगर मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो मेरे पास हर चीज का डेरिवेशन है। मैं ये भी डिराइव कर सकता हूँ कि ई नॉट बाई बी नॉट सी क्यों आता है, मैं सी की वैल्यू भी डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करूंगा नहीं, सी की वैल्यू भी मैं तुमको अगले स्टेप में बता दूंगा कि मैक्सवेल इक्वेशन से आगे, बिल्कुल वैसे जैसे एनसीईआरटी में बता दी गई, एनसीईआरटी में भी कोई प्रूफ नहीं है,
स्कूल में भी कोई प्रूफ नहीं बताया जाएगा, बट मैं डिराइव कर सकता हूँ, तुमको तरीका भी बता सकता हूँ, मैक्सवेल इक्वेशन से आता है, बट इट्स अ लॉन्ग एंड लंबी लंबी उसकी कैलकुलेशन है। इन मैक्सवेल इक्वेशन को पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, इनका डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं सोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ। जो साइनोसॉइडल मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया था, नॉट साइनोवेटिक प्लस माइनस के एक्स, इस मैं सोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ, बट वो नहीं कर रहा मैं। तुम लोगों को सिंपली बिल्कुल एनसीईआरटी या जो हम लोगों को, क्योंकि एडवांस में तो है ही नहीं, तो जेई मेन के लिए बिल्कुल जैसे हम लोगों को मैक्सवेल इक्वेशन के बल दे दिया गया कि सॉल्व करके आ गया, बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ कि ई नॉट अपॉन बी नॉट, मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन सॉल्व करके निकाला, ये वैल्यू सी आती है, और ये जो सी है ये क्या है, ये सी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में वेव चल रही उस मीडियम में जो भी सी हो, ई नॉट अपॉन बी नॉट। और ये जो सी होती है जब वैक्यूम में हम चल रहे होते हैं, तो देखो बेटा ये जो सी है ये है क्या, ये है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे तुम लाइट इसको ले लो, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट की भी अगर तुम बात करोगे तो उसकी भी वेलोसिटी को सी लिख रहे हैं, और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सी लिख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस मीडियम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आती है। जब हम सी को सॉल्व करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से, तो ये वैल्यू आती है 1/√μ0ε0। सी जो हम लोग करते हैं बचपन से, वो 1/√μ0ε0 होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वही 1/4πε0(9×10⁻⁹) वाला, और ये μ0 है, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, कितना 4π×10⁻⁷ वाला। तो अभी देखो सॉल्व कर रहा हूं, 1/√μ0ε0 4π×10⁻⁷, ε0 को इधर ले आओ तो ये नीचे आ जाएगा 1/4π×9×10⁻⁹, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1/√9 ऊपर आ जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर √9, और ये 9 और 7 16 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √10⁻⁶, 4π से 4π कट गया, √9 सॉल्व करने के बाद बन जाएगा 3, 10⁻⁶ बन जाएगा 10⁻⁸, उसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इस फॉर्मूले से आती है, 1/√μ0ε0, और ये जो सी है यही ई और बी का रेशियो होता है, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का नहीं, पीक टू पीक या आरएमएस टू आरएमएस, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। तो अगर किसी मीडियम में जाओगे तो वहां के भी मीडियम टू मीडियम चेंज हो जाएगी, क्योंकि हर मीडियम की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो पहले वो लिखूंगा, पहले मुझे ये बताओ ये वाला पेज हमने लिख लिया था, चलो ये यहां तक लिख लो पहले, प्रॉपर्टीज में क्या कह रहे हो, प्रॉपर्टीज अभी लिखवाएंगे ना, हाँ ये प्रॉपर्टीज ही तो लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज तो लिख रहे हैं, हेडिंग तो देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, उसी के अंदर तो लिख रहे हैं, सर एक सेकंड इससे पहले वाला पेज शो कर,
थैंक यू सर। लिख लिया। तो अगला अगला देखो पॉइंट ये है कि मान लो मैं किसी मीडियम में जाऊं, अभी तक देखो मैंने क्या बताया, एक बार फिर बता रहा हूं कि जो वेव चलती है इलेक्ट्रॉनिक वेव, तो वो एक्स वाई जेड का रिलेशन फॉलो करती है। एक्स वाई जेड का रिलेशन का मतलब ये है कि वेव अगर एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है वाई में। ये देखो मैंने वाई अलग से दिखा दिया, ऐसे भी दिखा सकता था, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है जेड में। वेव एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में। सुपर इम्पोज करोगे तो वो कंबाइंड वेव जो से अभी बना रहा था वैसे दिखाई देगी, जैसे ये बना रहा था। अब ये ई और बी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये ई और बी आपस में रिलेटेड है। ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। सी वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, तो वैक्यूम में होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ। और ये सी यानी कि जो वेव है वो एक वेव की वेलोसिटी तो एक वेक्टर होगी, उसकी डायरेक्शन किधर है। तो तुम देखो ये वाई में, ये जेड में, और दोनों के परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो सी की जो डायरेक्शन होती है वो ई क्रॉस बी के अलोंग होती है। E क्रॉस B के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भाई अगर Y में और मैग्नेटिक फील्ड अगर Z में है, फॉर एग्जाम्पल, तो J में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड K में, जैसा फिगर में मैंने बनाया था, फिगर देखो, J क्रॉस K करोगे तो J क्रॉस K I होता है। देखो तो I में इलेक्ट्रिक, I में वेव आ जाएगी। C मतलब वेव यानी कि एनर्जी चलने की डायरेक्शन, E क्रॉस B के अलॉन्ग होती है, वैल्यू इतनी होती है, और उसका E और B के साथ ये रिलेशन है, बट तब जब वैक्यूम में हो। जब तुम मीडियम में सी निकालते हो, किसी मीडियम में सी निकालोगे तो किसी मीडियम में सी इतना नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो किसी मीडियम में बेटा म्यू नॉट क्यों यूज करोगे, किसी मीडियम में तुम म्यू यूज करोगे, उस मीडियम का जो म्यू है, किसी मीडियम में एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज करोगे, एप्सिलॉन यूज करोगे। और क्या तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ रखा है, म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। भाई जब कूलम्स लॉ करते थे 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r² किसी मीडियम में जाते तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ले लेते थे, उसी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को तो एप्सिलॉन आर बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही नाम है। वैसे जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि भाई वैक्यूम है, सोलेनोइड में अंदर वैक्यूम है तो म्यू नॉट है, लेकिन आयरन की कोर रख दो तो म्यू नॉट थोड़ी ना है, तो म्यू नॉट म्यू आर बन जाता है। याद है म्यू आर 1+ काई होता है, काई याद है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, याद आ रहा कुछ? हाँ, तो अगर ये सब याद आ रहा है तो अब एक मीडियम है, मीडियम को ले सॉरी वैक्यूम नहीं है, से वुड से पास कर रही है लाइट, से ग्लास से पास कर रही है कांच, तो अब वहां पे म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो इसमें ये निकाल लो टर्म, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकाल लो और अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर छोड़ दो। तो ये जो 1/√μ0ε0 है ये तो लाइट की वेलोसिटी है, ये लाइट की वेलोसिटी है वैक्यूम में, डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है लाइट, अब देखो इस ईएम वेव के बाद अगला चैप्टर ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स से देखो कनेक्शन, लाइट की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं होती बेटा, लाइट की वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, म्यू और एप्सिलॉन परमिटिविटी और परमिबिलिटी पे डिपेंड करती है। और ये बात मैं पूरे दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए उसकी वेलोसिटी मीडियम टू मीडियम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बदल जाने से बदलती है। कौन सी प्रॉपर्टी? परमिबिलिटी और परमिटिविटी, यस यही है वो फैक्टर। और अब देखो किसी मीडियम में जाओगे तो वैक्यूम की वेलोसिटी से कुछ कम आएगी, तो बेटा यही तो बचपन से करते आ रहे हैं, यही तो बोलते आ रहे हैं बचपन से कि किसी मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो उसकी वैक्यूम की वेलोसिटी से सी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाती है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बाद में रिफ्रैक्शन में यूज होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ऑप्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग होती ही नहीं है, यही है ये जो लिखा है, ये अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये पूछा जाता है जेईई मेन के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव,
डिफेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है परमिटिविटी परमिबिलिटी के टर्म से, ये होता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसीलिए किसी मीडियम में जाते हो तो लाइट की वेलोसिटी 3×10⁸ से कम हो जाती है, 3×10⁸ डिवाइडेड बाई जो ये फैक्टर आता है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो ये फैक्टर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है। ये अलग बात है कि अलग अलग कभी दिए नहीं होते, बट अगर दिए हो तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। पिछली स्लाइड दिखा दीजिए एक मिनट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भाई लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी भाई, जैसे क्लास 11 में साउंड वेव पढ़ते थे, साउंड वेव किस पे डिपेंड करती थी भाई, उस मीडियम की इलास्टिसिटी और इनर्शिया पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में चल सकती है, उन्हें इनर्शिया पार्टिकल के मास से क्या मतलब है, उन्हें वहां पे क्लास 11 में स्ट्रिंग का टेंशन होता था, साउंड की वेलोसिटी में गामा RT/m गामा आता था, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, टेम्परेचर आता था। यार यहाँ पे तो वैक्यूम में भी चल सकती है, उसमें टेम्परेचर और पार्टिकल का मास ये सब आएगा ही नहीं, मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पे क्या आएगी भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो ये एप्सिलॉन और म्यू नॉट क्या है बता तो रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। सिर्फ और सिर्फ यही आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के सिवा कुछ नहीं आता है। इसी को सॉल्व करके 3×10⁸ आता बेटा, 3×10⁸ इसी का डेरिवेशन है। अब तक कैसे भी तुमने पढ़ा रखा हो लाइट की वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बट मैं तुमको बता रहा हूँ ना, यही डेरिवेशन, यही फॉर्मूला लाइट का सबसे ओरिजिनल, इससे ओरिजिनल कुछ नहीं लाइट की वेलोसिटी में। ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो, क्योंकि ये लाइट भी एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है। जो चैप्टर है ये क्या कर रहा है भाई, पिछली चीज को आगे बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिमेट्री को जो तुमने वहां पे LC सर्किट और डिस्प्लेसमेंट करंट में पढ़ी, और आगे चैप्टर की बिगनिंग दे दे रहा है। आगे वाला चैप्टर ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स से लिंक कर दे रहा है, लाइट एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ये उसकी वेलोसिटी है, मीडियम में जाओगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा। ये लिख लिया सबने? यस यस। तो ये लिख लो, ये वाला पेज लिख लो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिख लो। तो अब देखो लाइट आगे बढ़ती है तो एनर्जी और मोमेंटम, लाइट जब आगे बढ़ती है तो बेटा एनर्जी और मोमेंटम लेके आगे बढ़ती है, बट मैं अभी नहीं करा रहा, परेशान मत हो, मैं इतना ही जो है पहले तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठाना चाहता हूँ, है ना, और वो एनर्जी मोमेंटम की बात आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बुक इतने पे ही बुक खोलो, बुक में एक दो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। जेई मेन में सही AM वेव से क्वेश्चन तो आएंगे, वो करने तो आने चाहिए, तो बुक खोलो, मैं तुमको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। खोलो EM वेव का चैप्टर, EM वेव का चैप्टर खोलो, उसमें देखो एक एग्जांपल मिलेगा तुमको एक्सरसाइज में, जिसमें ई भी दे रखा होगा, बी भी दे रखा होगा, और कुछ चीजें पूछी गई होंगी। मुझे मिल जाती है बुक तो मैं देखता हूँ।
ई और बी का? जिसमें ई दे रखी, बी दे रखी है, वेलोसिटी पूछी है, डायरेक्शन पूछी है, नहीं मिलता तो मैं यहां पे पेस्ट करता हूं क्वेश्चन। अच्छा पेस्ट कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये एक क्वेश्चन है, सबको दिखा बेटा? ये क्वेश्चन है, रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन सेज ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज दिस। बेटा मुझे ये बताओ, ये तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है? ये बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में, टी फॉर टेस्ला होगा, वो तो यूनिट है और कुछ नहीं है। बोलो बेटा ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो मुझे ये बताओ, इससे फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा ये, तो ओमेगा और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन बताया था? फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा बाई, तो फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। निकालते चलो साथ में, बताते चलो, एक एक स्टेप करते चलते हैं। क्वेश्चन लिख लो एग्जाम्पल के फॉर्म में अपनी कॉपी में। चलो वेवलेंथ, तो बेटा ये जो के है, के ये होता है ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गई, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो इससे के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा के, ये के एक्स के 5000 पाई, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा से लैम्डा निकाल के बताओ, फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ, जल्दी बताओ तो मैं बताऊं। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बेटा, कितनी हर्ट्ज आ रही है? देखो इतनी आ रही है, वेवलेंथ चेक करो। वेव की स्पीड, तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v, तो वेव की स्पीड होगी ओमेगा बाई k, ओमेगा मुझे दे रखा है 3 इंटू 10 पाई 11 पाई, और k 5000 पाई, पाई से पाई कट गया, तो आएगा 3 अपॉन 5 इंटू 11 में से 3 गए, तो 10 टू द पावर 8, जो कोई आ रही है मीटर पर सेकेंड। अबे लैम्डा कैसे कैलकुलेट किया? लैम्डा बेटा k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय k, k की वैल्यू मेरी थी 5000 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, उसको सॉल्व कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, तो क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है? बी नॉट, तो क्या रिलेशन बताया था? ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, सी 3 × 10⁸ मत रख देना, जो वेव की वेलोसिटी आई है वो रखना। वी नॉट मुझे दे रखा है, ई नॉट निकाल के बताओ, और फिर मैं लास्ट क्वेश्चन बता दूं एक्सप्रेशन क्या बनेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले मुझे ई नॉट बताओ कितना आ रहा है, ई नॉट कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है ई नॉट की?
वेरी वेरी गुड, ई नॉट आना चाहिए 480. देखो सब लोग यही आ रहा 480 वोल्ट पर मीटर. ये निकाल ले रहे हो, इसका मतलब समझ गए तुम बात. अब सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये एक्सप्रेशन लिखना है फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा मैच्योरिटी बताएगा कि तुम पूरा समझ गए बात. तो मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो वेव किधर चल रही, मुझे ये बताओ. ये देखो वेव किधर चल रही है, वाई में चल रही, जेड में चल रही, कि एक्स में चल रही? एक्स. मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड में है कि वाई में? वाई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ऑप्शन क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? हाँ जेड में होगी. ये देखो एक्स में और ये वाई में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में होगी. बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में होगी. अच्छा प्लस जेड में होगी कि माइनस जेड में होगी? याद रखना सी जो होता है वो ई क्रॉस बी के अलोंग होता है. देखो मैं कर देता हूँ. सी वेव जो है वो आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता नहीं किधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लस का जे कैप में है. तो अगर मैं प्लस जेड में मालूम, मतलब के क्रॉस जे कर दूं, तो मुझे बताओ के क्रॉस जे तो बेटा माइनस आई होगा ना, तो मुझे प्लस के क्रॉस जे करना चाहिए कि माइनस के क्रॉस जे करना चाहिए? माइनस के क्रॉस जे करना चाहिए, क्योंकि माइनस के क्रॉस जे करोगे तब तो प्लस आई आएगा, ये तो सबको पता होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट. तो माइनस के क्रॉस जे याद होगा ना, आई जे के, आई जे के है ना, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई, बट अगर माइनस के क्रॉस जे कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के में होगी, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस के लिखूंगा. और देखो मैं लिखने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट, ई नॉट आई है 480. फिर अंदर क्या, अंदर सब कुछ वही लिख दूंगा बिना फेज बदले, 5000 पाई एक्स माइनस 3 × 10⁻¹¹ पाई टी, सब कुछ रख दूंगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कैप में, तो बाहर एक माइनस लगा दूंगा, यहाँ लिख दूंगा के कैप, और यूनिट टेस्ला लिखी थी यहाँ पे वोल्ट पर मीटर लिख दूंगा. ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन गया. अब मुझे बताओ इसमें बेटा कोई दिक्कत हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने में. सर मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड कैसे निकाला? 480 बोल लो, एम्पलीट्यूड 480. तो ये देखो बेटा ई नॉट बाई बी नॉट सी होता है. E नॉट मुझे निकालना है, V नॉट की वैल्यू मुझे पता है, V नॉट की वैल्यू ये है 8 × 10⁻¹⁶. E नॉट अपॉन 8 × 10⁻¹⁶ इज इक्वल टू सी, तुम्हारे सामने निकाला था 3/5 × 10⁻¹⁸. इसको सॉल्व कर लो तुरंत आ जाएगा E नॉट. हाँ सर देख लो, ठीक है समझ गए क्वेश्चन. एम्पलीट्यूड आ गया सर, बाकी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा सर, साइन के अंदर वाला? साइन के अंदर कुछ बदलना ही नहीं, सब उठा के रख देना, सेम फेज है ना, बदलना क्यों है, सेम फेज सेम, ठीक है सेम रख देना, कुछ नहीं बदलना, बाकी यही लिखा है और कुछ नहीं बदलना सर. और अच्छा सर वो माइनस के कैप डायरेक्शन लगाया? हाँ माइनस के कैप डायरेक्शन का लगाया. तो अगर ये लिख ले रहे हो तो अब देखना बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, ईएम वेव की प्रॉपर्टी वाले, लाइट की वेलोसिटी वाले, वो करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, वो सारे लग जाएंगे. थोड़ी सी चीज और बची एनर्जी और मोमेंटम, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट इसके जैसे क्वेश्चन करना भी जरूरत है एग्जांपल. अब इसके जैसे क्वेश्चन करना नेक्स्ट क्लास में सीख आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. चलो बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर.